हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म अप्लाई किया है दोस्तों शहरी क्षेत्र से, तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट योजना के लिए। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए पात्र हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको आर्थिक पैकेज जो होता है उसका सहायता आपको दी जाएगी दोस्तों। तो इसका फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है दोस्तों। गूगल में आपको सर्च करना होगा दोस्तों PMAYMIS.gov.in, ये आपको वेबसाइट है दोस्तों, ये आपको सर्च करना होगा दोस्तों। इस वेबसाइट का जो लिंक है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे दोस्तों। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप मेन्यू बार देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह से बेनिफिशरी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जाना है दोस्तों और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों इसके अंदर, तो यहाँ पर सर्च बाय नेम पर क्लिक करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसके नेम सर्च करने के लिए तो यहाँ पर आपको एंटर आधार नंबर, जब आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो आधार नंबर आपने दिया था दोस्तों वही आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। तो यहाँ हमें आधार नंबर डाल देते हैं दोस्तों, यहाँ पर शो बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अगर आपका फॉर्म का जो स्टेटस है, अगर आप इस फॉर्म के साथ अटैचमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर नोट रिकॉर्ड बता सकता है, या फिर अगर आपका जो फॉर्म इस आधार कार्ड से नहीं भरा हुआ होगा तो यहाँ पर भी तो नो रिकॉर्ड बता सकता है दोस्तों। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से दोस्तों। और जिसका यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत जिसका नाम एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जिसका आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे दोबारा, इसका देखना है मुझे, तो यहाँ पर शो बटन पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। तो उसके बाद में आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों। अगर उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस यहाँ पर आधार नंबर दिखाई दिया और यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस नो डुप्लीकेट। तो यहाँ पर नो डुप्लीकेट का मतलब है कि इसने उन्होंने पहले कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, पहली बार अप्लाई किया था इसलिए डुप्लीकेट नहीं चिन्हित किया गया, फर्स्ट बार किया है इसलिए नो डुप्लीकेट बता दिया है। अगर यहाँ पर कोई और ऑप्शन हो जाता है तो यहाँ पर बता दिया जाएगा, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो भी यहाँ पर बता देगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मिशन कंपोनेंट, तो यहाँ पर BLC बता रहा है दोस्तों। BLC का मतलब होता है कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ये बेनिफिशियरी आईडी दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर बेनिफिशियरी का नेम देख सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिशियरी का जो फादर्स नेम है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जेंडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट है दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर बेनिफिशियरी एज यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर डेट ऑफ अटैचमेंट, तो किस तारीख को अटैचमेंट हुआ यानी किस तारीख को ये फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है योजना के लिए। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो आप इस योजना के लिए पात्र बन जाते हैं दोस्तों। आपको 2.5 लाख रुपए का आवास बनाने के लिए आपको पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अटैचमेंट यहाँ हो जाता है तो आपके आवास बनाएंगे कभी भी आप, तो आपको इसके सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी दोस्तों। अगर आप अटैचमेंट हो जाता है दोस्तों, अगर इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं तो आपको इस टोल फ्री नंबर पर आप एक बार कॉल कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे टोल फ्री नंबर दिए गए दोस्तों, ये टोल फ्री नंबर है दोस्तों, यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो क्या है, तो आपको बता देंगे दोस्तों कि आपको इसकी योजना का पैसा लेने के लिए आपको अब क्या करना है, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे डिटेल में, जो भी ऑफिसर होगा आपके एरिया का इससे संबंधित, तो आपको वहाँ पर आपके हाउस भी भेज सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर स्टेटस आपका शो नहीं होता है तो यहाँ पर सिटीजन असेसमेंट में जाकर आपको ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पर जाइए, तो यहाँ पर अभी यह स्टेटस चेक कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप बाय असेसमेंट आईडी के द्वारा चेक कर सकते हैं स्टेटस, यहाँ पर जो भी आपका असेसमेंट आईडी है वो डाल दीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए, ओटीपी से आएगा उस वेरीफाई करा के स्टेटस बता देगा दोस्तों। अगर आपके असेसमेंट आईडी नहीं है तो यहाँ पर आपके बेसिक डिटेल से आप ये असेसमेंट आईडी निकल भी जाएगा और स्टेटस भी चेक हो जाएगा दोस्तों। इस तरह अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको कोई भी आपके क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप इन टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हो दोस्तों, आपका पूरा जो भी आपको पूछना है वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।